Hello everyone, hope you are doing absolutely fine, and if you are not, stay strong. So what is this video about? I thought that during this whole pandemic hum bahut sara sochne ka time mila hai hamare ko, and jab hum sochte hain definitely kuch thoughts aise aate hain which overwhelm us, and this particular series of video it is completely based on feeling overwhelmed. There are n number of reasons and hum ek ek karke sari cheeze discuss karenge, but today's video is about feeling emotionally overwhelmed about your dreams, aspirations, goals, etc., etc. And ye puri video ek particular clip ke around construct hogi, and that particular clip is from the movie Pursuit of Happiness. So as the video progresses hum clip ke sath sath डिस्कस करते जाएंगे, एंड ये कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ अनस्क्रिप्टेड. जो मेरे थॉट्स हैं दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू, एंड इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड कोई यहाँ ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है, कोई लाइफ एडवाइसेस नहीं दी जा रही हैं, इट्स जस्ट अ चिट चैट बिटवीन अस, एंड लेट्स स्टार्ट. आई एम कमिंग ब्रो. ओह ओके, या आई डोंट नो, यू नो you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. You know, so you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so really, you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay. All right, go ahead. हाँ जी, तो अब हम इस वीडियो के सहारे एक फाउंडेशन सेट कर देते हैं. Then the father is the Indian society. It could be your parents, it could be your relatives, it could be your neighbors, your close friends, anyone. It could be a stranger, वो भी हो सकता है. And the kid is you. So इसके basis पे let's see what is happening here. The father is telling the kid कि तू अच्छा खेल रहा है, जब मैं छोटा था जिस level पे मैं खेलता था तुम उस level पे भी खेल सकते हो, but you can't excel in this, so please don't keep your hopes up. तो बच्चा जो है उसने एक अगर ड्रीम बना रखा है दैट ही विल बी अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, दैट इज इक्वलेंट टू योर ड्रीम इन लाइफ. आपने कुछ भी सोचा हो सकता है कि आई डू सो वेल इन लाइफ दैट आई अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई एल गिव माई पेरेंट्स अ गुड लाइफ, और आई एल बी लिविंग इन ग्रीस, और आई एल बी हैविंग अ हाउस इन इटली. कुछ भी ड्रीम हो सकता है, जो भी आपका ड्रीम है. एंड देन थिंक दैट समवन इज टेलिंग यू कि यू कैन डू दैट, वो नहीं कर सकते तुम, यू आर नॉट हैविंग द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट. सच थिंग्स वी नीड टू अवॉइड, सच थिंग्स हमको सोचना ही नहीं चाहिए उनके बारे में. वैन समवन इज ट्राइंग टू क्वेश्चन योर ड्रीम, आपकी लाइफ के बारे में अगर कोई और ओपिनियन रख रहा है, लिसन टू इट. इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव थिंक अबाउट इट, बट अगर वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं एंड वो अगर आपको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं अपनी ड्रीम के लिए, आपके विजन के लिए, इट्स टोटली बुलशिट. सो आफ्टर द फादर सेज दिस टू द किड, डेफिनेटली थोड़ा मोरल डाउन होता है, थोड़ा सेल्फ डाउट आता है. एंड इन लाइफ ऑल्सो वही होता है कि अगर आपने कोई एक बहुत ही एक्साइट होके एक विजन बनाया, एक प्लान बनाया कि भाई आई डू दिस देन आई डू दिस देन आगे जाके मैं ये करूँगा, देन समवन सेज कि वट एवर यूर थिंकिंग इज टोटली बीएस, ये नहीं हो सकता, देन इंस्टेंटली यू विल थिंक यार इसने ऐसा बोला है कि इज़ इट इवन करेक्ट. आप उस वर्लपूल ऑफ थाट्स में चले जाते हो, एंड देन इवेंचुअली मे बी यू विल ड्रॉप द आइडिया, और मे बी आप भूल जाएंगे कि कभी आपने ऐसा प्लान भी बनाया था, एंड देन यू विल कैरी ऑन विद योर यूजुअल लाइफ, which is not correct, and which is what happens, that the kid throws away the basketball and uska moral gaya. So let's see what happens next. Thank you.
Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. So this is what I think about when it comes to goals in general. कि अगर आपने कुछ सोचा है एंड यू आर 100% श्योर अबाउट इट दैट आई वॉन्ट टू परस्यू दिस फील्ड और आई वॉन्ट टू डू दिस इन लाइफ, देन इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल. दीज पीपल कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी योर नेबर्स, और इवन इट कुड बी अ रैंडम स्ट्रेंजर ऑन द रोड. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू मेक श्योर कि फॉर एग्जाम्पल यू से दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर एंड ये जो आपका थॉट है ये आप शेयर करते हैं किसी के साथ एंड दे से दैट एक्टर आजकल की टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड ऑल इन ऑल दे लेट यू फील डाउन और दे स्क्रूटिनाइज योर आइडिया. देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट उनके ओपिनियन से आपके फाउंडेशन में इतना सा भी क्रैक नहीं आना चाहिए. यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो भी कह रहे हैं इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और समथिंग लाइक दैट देन प्लीज़ honor it and listen to it and think about it. But agar it's completely BS, idhar se suno, idhar se nikalo, koi zarurat nahi hai sochne ki, overthink karne ki, kyunki baat hi hoti hai ki when you start to ponder aur jab in cheezon ke bare mein sochte hain then ek cheez se dusri cheez aur jo mind hai aapka wo inhi cheezon ko collect karta rehta hai ki ha isne ye bola, isne ye bola, isne ye bola, and then wo itni choti si cheez itna bada doubt ban jata hai. एंड अगर आपका फाउंडेशन के अंदर हल्का सा भी क्रैक आ गया देन वो एक दिन इतना बड़ा क्रैक हो जाएगा दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वाई बिकॉज उसने ये चीज़ बोली थी. प्लीज़ डोंट लेट अदर्स ओपिनियंस इफेक्ट योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. पीपल कैन डू समथिंग देमसेल्व्स, दे वांट टू टेल यू यू कैन डू इट. द नेक्स्ट थिंग ही सेज दैट पीपल can't do something themselves, they'll tell you that you can't do it. Ego issues. लोगों को लगता है कि अगर वो कोई चीज़ नहीं कर सकते then सामने वाला definitely वो चीज़ नहीं कर सकता. वो आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें याद कराएंगे that I failed because of this, you can't do this, you don't have this quality. चाहे आपके अंदर natural talent हो, चाहे आपके अंदर मतलब आप उनसे 100 times better उस field में, बट दे स्क्रूटनाइज यू. आप यूल थिंक अबाउट इट कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन कर रहा है, ये मेरे से एज में ज़्यादा बड़ा है, इसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो बोल रहा है ये सही बोल रहा होगा, आई शुड ड्रॉप माई आइडिया. यू शुडंट. इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. टेक दिस ट्रैक, थिंक ऑफ दिस ट्रैक एज योर लाइफ विच कंटेन्स your goals, your aspirations, everything. This could be your dream car, this could be your dream house, this could be attaining financial freedom to support your family, anything. बहुत सारे goals हैं, aspirations हैं. जब आपकी life की ये जो car है इसके thoughts आप share करते हैं तो जब आप सोचते हैं take this as your dream that I'll be the most amazing actor that the world has ever seen. So ये आपका dream है, आप इस ड्रीम को अपनी लाइफ के साथ आप चल रहे हैं एंड नाउ समवन क्वेश्चंस इट कि भाई एक्टर बन ही नहीं सकते आप, आपके पास तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, यू डोंट हैव द स्किल, यू डोंट हैव द टैलेंट. व्हाट यू एंड अप डूइंग इज यू ड्रॉप ऑल योर ड्रीम्स. यू थिंक कि इसने बोला है तो सही बोला होगा, बट इट्स नॉट ट्रू. You have to make sure that your dream is protected by you. Koi kuch bhi bole, shield it. You want something, go get it. Period. And lastly, he says, if you want something, you go get it. Period. Aapko kuch chahiye, aapki life mein kuch ambition hai, take action, go ahead. Do it. Simple. कोई कुछ भी बोले please, not required. मत सुनो. So that's this clip जो ये मैंने आपको दिखाई
ये इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए. एंड ये मूवी जब मैंने देखी, आई रियलाइज दैट इतने सारे हिंड्रेंसेज होते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ सॉर्टेड होती है. कोई बड़ा सा बड़ा आदमी होगा, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी. एंड जो छोटा सा छोटा आदमी होगा, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. इट्स ऑन अस कि हाउ वी हैंडल देम एंड हाउ वी गेज विद देम. तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट टेक other people's opinion that much seriously. Be content within yourself, keep working on yourself, and all in all, make sure that you keep yourself happy, and then take the responsibility that you keep the people around you happy. But that's a thing to talk about in some other video. Aaj ke liye itna hi. Agar ye video acha laga and aapko mere sath ye random chit chat karke आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बाय बाय.